ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये आपको आवाज आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं मकई के पकौड़े। मैंने ये वाली मकई ली है जिसको हम भुट्टा भी बोलते हैं। इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं और इसको 3 सीटी देकर कुकर में बॉईल कर लिया है। ये मैंने 1 कप भुट्टे के दाने लिए हैं जो कि लगभग 4 भुट्टों से निकले हैं। इसके अलावा हम लेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 100 ग्राम बेसन, 1 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया, 2 पिंच हींग, आधी टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून सौंफ। साथ में लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची स्वादानुसार, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। साथ ही इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पकौड़े बनाने के लिए मकई के दानों को सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डालेंगे। और इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। मकई के दानों को मैंने दरदरा पीस लिया है, ये देखिए इस तरह का हमें चाहिए होगा। अगर कुछ दाने रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, हरी मिर्ची, दरदरा पिसा हुआ धनिया, हींग, अजवैन और ये सौंफ, और साथ में डालेंगे नमक स्वादानुसार, लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है क्योंकि हमने जब पीसा था तब हमने थोड़ा बहुत इसमें पानी मिला लिया था। ये मेरे को थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये घोल हमारा तैयार हो गया है। इस तरह का गाढ़ा घोल हमें चाहिए होगा। इसमें लगभग 1 टेबल स्पून जितना पानी हमने ऐड किया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, तेल गर्म भी हो गया है। मैंने मूंगफली का तेल काम में लिया है, आप कोई भी खाने वाला तेल काम में ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े, ये मैं हाथ से डाल रही हूँ इस तरह से लेकर एक पोर्शन। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम पकौड़े डालेंगे। एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे एक बार में हमें उतने ही डालने हैं, एक साथ बहुत सारे नहीं डालने हैं। इसको हमें अभी नहीं छेड़ना है, ये तल के थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे और नीचे से थोड़ा सिक जाएंगे, उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए ये नीचे से थोड़े थोड़े सिक गए हैं और अपने आप ऊपर आ गए हैं। अब इनको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये अपने आप टर्न हो जाए। ये देखिए ये पकौड़े तलकर तैयार हो गए हैं। अब इस स्टेज पे इसको हम निकाल लेंगे। और बाकी बचे हुए मिक्स के भी इसी तरह पकौड़े तलकर तैयार कर लेंगे। ये पकौड़े तलकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये आपको आवाज आ रही है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें
और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।